हम लाइव आ चुके हैं, लाइव हमारा शुरू हो चुका है ललन टॉप सिनेमा के चैनल पर। नमस्ते आप सबका, मैं हूँ जीशा। मेरे साथ, नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरे साथ आज जुड़ी है वेटरन एक्ट्रेस माया आलम। तो हम भी कुछ अलग सा ही कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं हर हफ्ते यहाँ पर लाइव। तो हम भी बहुत जी एक्साइटेड है मैम आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो मैं पहले तो आपको पूछना चाहती हूँ, 15 साल के ब्रेक के बाद आपने ऐसे कमबैक किया है। 15 साल नहीं, कोई 8 साल या 9, 7 या 8 साल हुए, 15 साल नहीं हुए। क्योंकि हालांकि मैं फिल्में नहीं कर रही थी लेकिन मैं सीरियल में काम कर रही थी, तो काम तो 8 या 9 साल हो गए। और आपने ब्लडी ब्रदर्स जो सीरीज है उसमें आपने कमबैक किया और इतना अलग रोल है आपका, तो आप मुझे पहले तो उसके बारे में बताइए, हुआ कैसे? अलग रोल है इसीलिए मैंने कमबैक किया। अगर वही होता कि जहां मैं माँ या दादी बनी हुई हूँ और आंखों में ग्लिसरीन डाल के रो रही हूँ, तो मैं वो रोल करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। कि अगर कुछ कोई मुद्दा नहीं हो, कुछ मीट नहीं हो उस रोल में, तो करने का फायदा क्या है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर जब मुझे इसकी ऑफर आई, मुझे शायद मुकेश जी ने फोन किया था कि मैम ये रोल है, तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, आप हमको जरा स्क्रिप्ट दिखा दीजिए। और शाद अली डायरेक्टर थे, तो मैंने कहा शाद को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ, तो मैंने कहा वो तो मुझे ऐसे वैसे रोल नहीं ऑफर करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जरा दिखा दीजिए मुझे स्क्रिप्ट क्या है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है, और मैं ऐसे ही रोल की इंतजार में थी, मतलब कुछ हटके करूं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ये इंडस्ट्री है, जिस किस्म का काम है, आपको नेटवर्क करने की जरूरत होती है और लोग कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो ऐसी स्थिति में आपने कैसे इंश्योर किया कि लोग आपको याद रखें और आपको अप्रोच करें? देखिए, मैं आउट ऑफ साइट जरूर थी लेकिन मैं आउट ऑफ माइंड तो कभी भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे बराबर ऑफर्स आते रहे। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं आते थे, हर हफ्ते एक ऑफर आ जाता था मुझे, लेकिन फिर यही वही पुराने किसे भी ऑफर्स होते थे। और सीरियल ये डेली सोप से मैं बहुत घबराती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ मलाबार हिल में और शूटिंग होती है फिल्म सिटी और उसके भी आगे, आजकल तो विरार वगैरह में होने लगी, तो मैं इतनी दूर जाने के लिए अगर कोई अच्छा सा रोल है तब तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं क्यों जाऊं। तो ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ माइंड तो शायद मैं कभी हुई नहीं। उसका शायद यही रीजन था कि एक मैंने ऐड किया था बहुत साल पहले अपनी करियर की शुरुआत में, प्रॉमिस टूथपेस्ट का, तो वो लोगों को याद रहता था, तो वो लोग उसको शायद देख के बुलाते थे। अच्छा, और आप जाते हैं सबसे बिगिनिंग की शुरुआत में, जैसे आप डॉक्टर है बट फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ आप मॉडलिंग कर रही थी और फिर इत्तेफाक से एक एड फिल्म होगी, बट वो शिफ्ट, क्योंकि डॉक्टरी में 5 साल के पहले तो आप पढ़ाई करते हो, उसके आगे भी अब लोग मास्टर्स करते, तो वो शिफ्ट आपके दिमाग में कैसा हुआ कि ये कोई चीज हो सकती है कि मैं फुल टाइम कर सकती हूँ? देखिए, शुरुआत में तो मैंने फुल टाइम नहीं किया था फिल्मों का। मैंने शुरुआत में मैं क्या करती थी, मेरे क्लिनिक खुलती थी 10 बजे से 1 बजे तक और फिर 6 से 9, तो वो बीच का जो टाइम मिलता था उसमें मैं जाके शूटिंग कर लेती थी। आपको ऐसे मिल जाते थे अपने स्केड्यूल में जैसे फिट हो जाए? स्केड्यूल में फिट करती थी और वीकेंड से मतलब संडे को शूटिंग करने को तैयार हो जाती थी। उन दिनों बहुत कम लोग संडे को शूटिंग करते थे, तो मैं तैयार हो जाती थी तो मैं जाती थी। तो बीच में पहले तो मैंने किया, लेकिन बाद में जरा ज्यादा ही होने लगा, जब बढ़ गया काम, बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तब मैंने कहा कि एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। और तो डॉक्टरी छूट गई क्योंकि पैसों की खनक तो इस तरफ ज्यादा थी और हम यंग थे, अभी अभी बॉम्बे आए थे, हमको पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा था 3-4 साल काम करूंगी, इतना कमा लूंगी कि एक अपनी क्लिनिक खोल लूं। अगर अपनी क्लिनिक खोल लूंगी तो फिर मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी मैं पैसे कलेक्ट कर लेती थी वो बढ़ जाता था, घरों का दाम ही बढ़ जाता था, तो बॉम्बे में है भी ऐसे, वो मौका नहीं आया। और फिल्मों में मैंने कैसे शुरू किया कि ये प्रॉमिस एड देख के, आप लोग तो बच्चे हैं आपको नहीं मालूम है, आपने मदर फादर से पूछे उनको याद रहेगा, तो उसमें मैं बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो
इस्माइल श्रॉफ जो डायरेक्टर थे वो थोड़ी सी बेवफाई फिल्म बना रहे थे शबाना आजमी और राजेश खन्ना के साथ, तो उनको एक डॉक्टर का किरदार करा रहा था, उनको ये नहीं मालूम था कि मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने कुलभूषण करवंदा से कहा कि ये प्रॉमिस वाली मॉडल कौन है, तो कुलभूषण हालांकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन ऐसा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मेरी एक दोस्त मॉडल है आप उससे पूछ लीजिएगा। तो वो इस्माइल श्रॉफ को मेरे घर ले आए और इस्माइल श्रॉफ ने मुझे देखा वो हंसने लगे, कहता इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। बट ऐसे कभी हुआ सेट पे कि आपका डॉक्टर होना वहां पे काम आ गया? यही होता रहता है कि जब मैं कहीं भी जाती हूँ, खासकर लोकेशन पे जाती हूँ, तो सब लोग मुझसे आके पूछते हैं अच्छा इसके लिए क्या ले लूँ, उसके लिए क्या ले लूँ, मतलब मेरी डॉक्टरी कभी खत्म हुई ही नहीं है। और जब मैं टीपू सुल्तान करने हम लोग जब सामोद गए तो उस टाइम बड़ी रफ सी जगह थी वो, और खैर टीपू सुल्तान हिस्टोरिकल था तो उसमें घोड़े वोड़े बहुत दौड़ते थे और उसमें राइडर्स भी होते थे, तो सब यहाँ से लेके गए थे, अब वो गिरते थे तो माया जी जरा टेटनस का शॉट लगा दीजिए, तो ये काम भी करती थी साथ साथ उसके। फिर होटल के वेटर्स भी आने लग गए और सब होटल के एम्प्लॉयज आने लग गए कि जरा हमारी वाइफ का एक्सरे देख लो, जरा ये कर दो वो कर दो, फुल टाइम क्लिनिक खुल गई। हाँ कहता था ना आप जो भी सीखते हो कभी ऐसे फिजूल नहीं जाता, तो इसका काफी इस्तेमाल हो गया था सेट पे। आपको कभी ऐसा हुआ कि फिर जब आपके बच्चे हुआ, आप तो ग्रैंड चाइल्ड भी है, बट ऐसा हुआ कि आपने कहा कि नहीं तुम पहले पढ़ाई खत्म करोगे फिर तुम देख लेना आगे अगर ऐसे कुछ करना हो तो? मैंने हमेशा यही किया बच्चों को मैंने, हालांकि मेरी छोटी लड़की ने फिल्में की हैं एंड वो भी करना चाहती थी, लेकिन मैंने भी इंसिस्ट किया कि नहीं पहले तुम अपना ग्रेजुएट कर लो उसके बाद तुमको जो करना है करो। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब 8-9 साल का जैसे आपने कहा ब्रेक लिया, ब्रेक मतलब फॉर व्हाटएवर रीजंस आपने अपने आप से ब्रेक्स लिए थे और फिर आपने कहा कि मुझे ये करना था, एक तरह से डर या नर्वसनेस था कि टू बी एबल टू कम बैक ऑन सेट? कभी कभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है? बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी, और मतलब एक तो रोल को देख के नर्वसनेस थी, सिर्फ ये था कि हाँ चलो शाद अली डायरेक्ट कर रहे हैं तो मतलब थोड़ी तसल्ली थी कि अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी, इतना तो मैं आपको बता दूं। तो आपने उसके साथ डील कैसे किया? जैसे मैंने नीतू कपूर के इंटरव्यू देखा, वो भी उन्होंने क्या बात की है इसके बारे में? किसने? नीतू कपूर जी ने बताया कि जब वो सेट पर आए तो उन्हें लगा कि वो भूल गई थी एक्टिंग कि कैसे रहना सेट पर, उनको थोड़ा सा वक्त लगा वापस से उस माहौल में अपने आप को फैमिलियराइज करने के लिए। बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा होता है, और पहले तो मैंने कहा कि प्रिपेयर कर लूं थोड़ा, मैं डायलॉग अच्छी तरह याद कर लूं कि वहां जाके अपना मतलब ये ना हो कि कोई डायलॉग बोले और मैं भूल जाऊं तो उसका सीन ना खराब हो, तो इसलिए मैंने डायलॉग अच्छी तरह याद कर लिए। उसके बाद मैं सेट पे रोज जाती थी और मैं जयदीप अहलावत और जीशान इनको देखती थी, रोज देखती थी कि ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आजकल का और खासकर ओटीटी का, और मुझे ओटीटी बहुत पसंद है, फिल्मों से और सीरियल से कहीं ज्यादा मुझे ओटीटी पसंद है, तो मैं देखती थी। और एक दिन तो मैं बैठ, जब पहले दिन मैं गई मैं देख रही थी तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी कि वो एक्शन डायरेक्टर एक्शन बोलेगा और डायरेक्टर ने कट चिल्लाया, तो मैंने कहा अरे भाई ये लोग डायलॉग बोल रहे थे, ये लोग बातें नहीं कर रहे थे, ये लोग डायलॉग बोल रहे थे, तो मैंने कहा बाप रे अपनी स्टाइल जो पुरानी वाली होती थी जिस तरह हम लोग डायलॉग डिलीवर करते थे वो सब बदलना पड़ेगा, अब जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। तो पहला सीन मैंने बहुत बुरा किया, मतलब उनको देखने से पहले मैंने पहला सीन किया था तो अच्छा नहीं किया था, पर वो निकल गया बस, और उसके बाद से मैं ठीक हो गई। एक्चुअली मेरा यही अगला सवाल था कि आप हमें बता सकते हो कि उस वक्त कैसे हुआ करता था, जैसे आपने कहा कि तुम बच्चे हो तुम अपने माँ बाप से पूछो उनको पता होगा, तो हम जो अब देखते हैं न्यूज में सुनते हैं
वो बहुत अलग है। जैसे आप जब सस्ते हुआ करती थी, आपने टीवी में इतना सारा काम किया, मूवीज में इतना सारा काम किया, तो आप हमें वहां के किस्से बताइए कि वहां तब कैसे हुआ करता था। मतलब कि एक्टिंग के स्टाइल में या हाँ देखिए एंड इवन उसमें प्रोडक्शन किस टाइम में, जैसे प्रोसेसेस। अभी देखिए मैंने पहली ओटीटी की है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन था। मैं बहुत ये अपलॉज और बीबीसी का प्रोडक्शन था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टाइम पे सब कुछ होता था। मतलब हमारे हमारी लोकेशन 1 घंटा ऊटी में हम लोग थे, लोकेशन में 1 घंटा था, और सेट पे मतलब तैयार होके 7 बजे पहुंचना होता था। तो 4 बजे हम लोग उठते थे, नहा धो, 5 बजे सुबह गाड़ी में बैठो और 6 बजे सेट पे पहुंचो, मेकअप करो और डायरेक्टर को अपना शक्ल अपनी शक्ल दिखा दो कि हाँ भाई हम तैयार होके आ गए हैं, आपको जब बुलाना है बुलाना। और बहुत ही मतलब ये नहीं कि किसी के लिए वेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ प्रोडक्शन तो इतना स्ट्रीमलाइन था कि कुछ कहने की बात। और जहां तक एक्टिंग का स्टाइल है तो मैंने आपको बताया कि अब हम लोग डायलॉग नहीं डिलीवर करते, जैसे यू नो जब पुराने टाइम उसमें डायलॉग डिलीवरी का बहुत वो होता था, एक्सप्रेशन होते थे फेस पे एंड ऑल दैट। अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए किसी को फेस पे, जैसे हम मैं और आप बातें कर रहे हैं, हमारे जैसे नेचुरल एक्सप्रेशन है वही आने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। तो पहले जब आप एक्टिंग सच करते थे, ऐसे हुआ है कि आपको बहुत वक्त वेट करना पड़ा है किसी के आने के लिए, और सबसे लंबा वेट कब आपने किया हो किसी के लिए? वो तो हर फिल्मों में, सीरियल में ऐसा नहीं है, सीरियल में ऐसा नहीं था। सीरियल में क्या होता था कि वो डे बिकॉज वो डेली होता था, तो अगर कोई सीन्स रिजेक्ट हो रहा है किसी पुराने किसी और के सीरियल के, तो वो लोग हम लोग को निकाल देते थे, नहीं नहीं भाई हमारा शाम को आने वाला है 6 7 बजे 8 बजे, आप लोग हमको ये सीन कर लेने दीजिए। तो इस तरह की देरी हो जाती है, लेकिन फिल्मों में देरी तो रिडिकुलस बातों पे होती है कि हीरोइन का ड्रेस नहीं आया तो देर से आ रहे, या हीरो हीरोइन की बातें नहीं हो रही है, बात नहीं कर रहे आपस में, तो जब वो आती है तो ये जाता है और जब वो आता है तो वो ये जाती है। तो इस तरह से कई बार हुआ है, और पर फिर देन पूरे वो फिर आप पार्ट ऑफ द उसी में आप वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा होना है तो एक्सेप्ट कर ओके आई लो। थिंक ये एक बहुत अच्छा वेलकम चेंज हुआ है कि अब सब लोगों की ऐसे रिस्पेक्ट होती है और उनके टाइम की रिस्पेक्ट होती है कि जिस वक्त उन्हें सेट पर होना चाहिए। मैं आपको लगता है अभी भी फिल्मों में ऐसे होता है थोड़ा बहुत? मैं इतने दिनों से इतने सालों से फिल्म तो मैंने की नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं कि क्या माहौल है वहां पे, लेकिन आई होप नहीं हो रहा है बिकॉज अब सब लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब ओटीटी तो आपने कर ही लिया, तो अगला ये स्टेप है कि आप फिल्में वापस करना चाहेंगी? देखिए अगर अच्छा ऑफर होगा तो मैं जरूर करूंगी, बट डिपेंड्स कि क्या ऑफर है, जरूर करूंगी। मैं मॉडलिंग में करना चाहती हूँ, मैं ओटीटी करना चाहती हूँ, मैं फिल्म करना चाहती हूँ, बस एक बार डेली सोप नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इतने दर्शक काम कर लेते हो, तो इस स्टेज पर ऐसे क्या है जो आपको एक्साइट करे, जो आपके लिए नया हो? अच्छा रोल होएगा तो कभी भी एक्साइट कर सकता है, करता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप इतने जेडेड हो गए कि हाँ मैंने सब कर लिया है, किसी ने सब नहीं किया है, सबको अगर इंटरेस्टिंग रोल मिलता है तो सब आते हैं करने के लिए, इसमें क्या बात है, और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हाल ही में कोई ऐसा रोल था जिसको देखकर आपको लगा हो कि मैं ये रोल बहुत अच्छे से कर सकती थी, मुझे ऐसे कुछ करना है? हजारों किस किस का नाम लो। वाह, कोई भी एक दो। कोई भी एक दो। अच्छा एम्पायर में मैं शबाना का रोल मुझे करना पसंद आता। एक तो देखिए मैंने 2 सीरियल्स किए हैं, एक टीपू सुल्तान और एक महादजी सिंधिया, जिसमें मैंने मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया है, और मुझे जितनी फैन मेल आती थी वो ये कहते थे कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आपकी भाषा से तो बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि मैं उर्दू बहुत साफ बोलती हूँ, बहुत साफ बोलती हूँ, तो क्या आप मतलब सब लोग तारीफ करते थे कि आप इतनी नफीस उर्दू कैसे बोल लेती। तो मैं
जरा, और मुझे ये हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जरा पसंद आते हैं करने में। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की है कि जैसे आप उर्दू इतनी साफ बोले थे, ये ट्रेनिंग थी कि कोई रोल के लिए प्रेपरेशन हुआ था इसीलिए? मैं यूपी से आई हूँ, मैं यूपी से आई हूँ, तो वैसे भी हम लोग उर्दू में काफी ठीक ठाक होते हैं। और फिर टीपू सुल्तान करने के टाइम पर मैंने उर्दू पढ़नी सीख ली। हाँ, पढ़नी सीख ली। अभी तक मुझे लिखनी नहीं आई है, इसलिए क्योंकि उर्दू की स्पेलिंग बहुत उबड़ होती है। लेकिन मैंने पढ़नी सीख ली है, और फिर मैं पोइट्री वगैरह पढ़ती रहती हूँ उर्दू में, जिससे कि, और फिर डायलॉग ऐसे इतने अच्छे लिखे हुए थे कि मजा आता था उनको बोलने में, मजा आता। हाँ, क्योंकि आजकल ऐसे हर सेट पे हो जाता है ना कि आप डायलेक्ट कोच होते हैं जो आपको उस लैंग्वेज में, उस डायलेक्ट में ट्रेन करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये पूछा था। जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, उतना ऑथेंटिक लगता है फिर कैरेक्टर। हाँ, इसीलिए ऑथेंटिक लगते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, आप खुद मेहनत कीजिए और आइए करिए। कैसे करते रिसर्च? मुझे लगता है आज हमारे पास इंटरनेट है, हर चीज के लिए हम गूगल खोल लेते हैं। बैक देन आप कैसे करते रिसर्च, कहाँ से निकालते चीजें? देखिए, एक जो महाजी सिंधिया था उसके बारे में बहुत कम पता था किसी को, किसी को मालूम नहीं था महाजी सिंधिया थे कौन। तो उनके बारे में और जो कैरेक्टर उनके टाइम पे, जैसे अहिल्याबाई होलकर है, ये सब है, तो इन लोगों के बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता था। तो संजय खान क्या करते थे, मुझको और अपने दो राइटर्स को, दो तीन और लोग थे, बेंजामिन किरानी वगैरह, हम लोगों को किताबें दे देते थे कि देखो ये हिस्ट्री की किताबें हैं, तुम लोग जरा खोज खोज के निकालो उस टाइम का, अगर तुमको इसके बारे में कुछ मिल जाए या उसके बारे में कुछ मिल जाए तो बताओ। तो हम लोग इस तरह, ये हम लोग रिसर्च करते थे। अब उन दिनों उनके राइटर्स ने भी रिसर्च की होगी, हम लोग भी कर लेते थे सेट पे, हो जाता था। इसीलिए पुराने जो हिस्टोरिकल्स हैं वो ज्यादा, मतलब रिसर्च्ड नहीं है। आजकल ज्यादा, आजकल रिसर्च कर लेते हैं लेकिन फिर वो दिखाते नहीं है, तो बात तो वही हो गई। और अगर आप नहीं करते हो, गलती से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है 19-20, तो ऑडियंस भी आजकल इतनी वो के वो आकर बोल देंगे ये तुमने ठीक नहीं दिखाया, ये डिपिक्शन ठीक सही नहीं था, तो ऐसे भी बहुत होता रहता है। तो और एक चीज जो आजकल भी होती है, जैसे एक्टिंग वर्कशॉप्स होती है, एक्टिंग कोचेस होते हैं, वो पहले रीडिंग के भी पहले उनकी सारी वर्कशॉप शुरू हो जाती है, तो जब आप कर रहे थे पहले वैसे होता था एक्टिंग वर्कशॉप्स या कुछ? कभी नहीं। तो वो भी आप सब अपने आप से, आपको फिगर आउट? हम लोग सब अपने आप ही करते थे। इसे बहुत आसान हो गई है अब। जब मैं मॉडलिंग करती थी तो हम लोग को अपना मेकअप और बाल भी अपने आप बनाने पड़ते थे। उस वक्त भी कोई हेयर ड्रेसर और मेकअप मैन नहीं आता था, हम लोग खुद बना के जाते थे, अपने बाल और अपना मेकअप खुद करते थे और तब पहुंचते थे। सब आप अपने आप को सिखाते कैसे, बाकियों को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर, आसपास लोग क्या कर रहे हैं? मतलब जब आप किसी सलून में जाइए तो देखिए कि कोई जुड़ा कैसे बना रही है और मेकअप कैसे कर रही है, इस तरह से करके हो जाता है। चीजें वाकई आजकल बहुत ज्यादा आसान हो गई है, अच्छा हो गया। और हमें दिन से वो एहसास नहीं होता कि कितना इजी है हमारे लिए, हम जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं काफी चीजों को। तो मैं पढ़ रही थी, आपने बताया था कि आपने गोविंदा जी के साथ काम किया और उनको गाना गाने को सिखाया, जो उनको ऐश्वर्या राय को गाना था उस फिल्म में, आप मुझे उस अनुभव के बारे में बताइए। अच्छा, गोविंदा बहुत बहुत ही स्वीट सा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है और सिंपल इंसान है। तो एक दिन हम लोग सेट पे थे तो मुझे उसको दिखा रहे थे, वो एक बैलगाड़ी में लेटा हुआ और गाना गाते हुए उसको वो बैलगाड़ी से चला आ रहा है। तो मुझे, अब मेरे पास आया, अब उसका कैरेक्टर क्रिश्चियन कैरेक्टर था, तो वो कहता है ये हिंदी गाने तो गाएगा नहीं माया जी, तो कोई इंग्लिश गाना हमको बताइए। तो मैंने उसको स्ट्रेंजर्स इन द नाइट कहा कि ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो ऐश्वर्या के बारे में तो तुम स्ट्रेंजर्स इन द नाइट एक्सचेंजिंग ग्लांसेस ही गाओगे तो अच्छा रहेगा। तो उसने पट से सीख लिया और गाते हुए चला आया। गोविंदा इज अ वेरी गुड सिंगर। हाँ,
डोंट थिंक मेनी ऑफ अस रियलाइज दैट हम बस उनके डांस करने पे और कॉमेडी पे फिक्सेटेड होते हैं. और इतना सीरियस उनका, आप कभी उनके कमरे में अगर गए तो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं वो. हाँ, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं बिहाइंड द सीन्स. अच्छा, और आपकी इतनी इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी रही है, इतनी डाइवर्स फिल्मोग्राफी रही है, आपका सबसे फेवरेट या मेमोरेबल रोल कौन सा रहा है आपके लिए? मेरे लिए सबसे फेवरेट और मेमोरेबल रोल एक्चुअली एक नहीं, मैं कम से कम दो तीन आपको बताऊंगी. एक तो था टीपू सुल्तान में, एक इसमें महाजी सिंधिया में, और तीसरा था इसमें एलओसी में, अजय देवगन की माँ का जो रोल था वो मेरे लिए बहुत, हालांकि छोटा सा रोल था लेकिन वो बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा रोल था. तो ये जो आपने कहा छोटा सा रोल, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है आप किस बेसिस पे उसको परखते हो कि आपको करना है या नहीं करना, आप कैसे डिसाइड करते? देखिए उन दिनों जब एलओसी बन रही थी तो बहुत उसका नाम था, और ऑफ कोर्स जेपी दत्ता साहब का तो बहुत ही ज्यादा नाम था, वो पहले भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना चुके थे. तो जब उन्होंने, उनकी वाइफ को मैं जानती थी पहले से, विद्या को मैं जानती थी, तो मुझे मिली चंडीगढ़ में, कहा माया तुमको, तुम्हारे लिए एक रोल है. मैंने कहा तुम जो रोल दोगी मैं करने को तैयार हूँ. तो खैर जेपी दत्ता को तो मना करने का सवाल ही नहीं था. तो उन्होंने मुझे, बस तुम सेट पे आ जाओ, सेट पे गए और उन्होंने फिर वहीं पे, उनके फादर वहीं पे लिख देते थे, और मैंने उनको अपने भाई के बारे में एक वाक्य बताया तो उन्होंने उसी को इनकॉर्पोरेट करके उसमें डाल दिया. लेकिन वो रोल किसी तरह वो मुझे, मेरे जहन में बस गया वो रोल. आपने जेपी दत्ता की बात की, उनके साथ आपने काफी काम किया, और एक फिल्म थी ऐश्वर्या राय के साथ, उसमें भी आपने काम किया था. हाँ, तो ये क्योंकि आपकी दोस्ती थी उस वजह से, और वापस ऐसे होता है डायरेक्टर्स जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ एक जो रैपो बन जाता है, वो कंफर्ट लेवल होता है, वो उनको बार बार बुलाते हैं. कि आपको ऑडिशन करना पड़ा था और फिर आपके लिए रोल हुआ? कोई ऑडिशन नहीं करना पड़ा, सीधा सेट पे पहुंची, सीधा सेट पे पहुंची. अच्छा, और जब आपने छोटे रोल की बात की, एक और जैसे कल्ट फिल्म बन गई है रहना है तेरे दिल में, उसने आपने सैफ अली खान का जो कैरेक्टर था सैम, उसकी माँ का रोल किया था. हाँ, तो ऐसी क्या बात थी उस स्क्रिप्ट में कि आपने कहा कि हाँ मुझे ये करना है? स्क्रिप्ट पे कुछ नहीं था और ना ही मुझे कुछ बताया गया था, बस मुझे यही कहा गया कि इसमें सैफ अली खान और बैडी है, तो मैंने कहा अच्छी फिल्म बन रही होगी इसलिए भी लोग, हम लोग काम कर लेते हैं क्योंकि अगर अच्छे पोस्टर भी ले तो अच्छी फिल्म बनेगी, तो इसलिए काम कर लिया उसने. उसमें कुछ नहीं था, मेरा रोल कुछ नहीं था, बस माँ का रोल था, और वो भी मुझे मुझे भूल भी गया कि क्या रोल किया. हमने जब हमने पोस्ट किया था आज की हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, तो वहां पे हमने मेंशन किया, तो किसी ने पूछा रहना है तेरे दिल में, उस मूवी में वो कहां पर थी? आई वाज लाइक ठहरो, मैं उनसे पूछने वाली हूँ उसके बारे में, तब तुम देखना लाइव में, हम इसके बारे में बात करेंगे. पर मैं, मुझे एहसास हो रहा है कि एक स्क्रिप्ट को साइन ऑन करने की कितनी अलग अलग वजह होती है. जैसे आज लोग कहते हैं कि हाँ डायरेक्टर आई थिंक, बट जैसे आपने कहा कि एक रिलेशनशिप होती है, उस वजह से भी करते हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं उस वजह से भी. तो आगे हम आपको कहाँ देखेंगे, आप किस बेसिस पे? आपने एक तो कहा कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, बट कैसे स्क्रिप्ट आ रहे हैं और आप कैसे उनको पिक करिए, आगे हम कहाँ देख पाएंगे आपको? देखिए आजकल क्या हुआ है कि ये जो फिलर कैरेक्टर्स होते थे ना, वो जैसे माँ दिखा दी बेटे के, मेरे हाथ की खीर एंड ऑल दैट, वो सब माँ और बेटी और भाभी का के बहन और भाभी, वो सब रोल्स निकल गए. अगर वो माँ दिखा रहे हैं तो किसी रीजन से दिखाते हैं और उसका कोई पर्पस होता है. तो इसलिए थोड़ा आजकल लगता है कि अगर रोल देंगे भी तो ऐसा देंगे कि मतलब उसमें कुछ करना होगा, ऐसे नहीं देंगे कि आप साड़ी पहन के खड़े हो जाइए एक कोने में, इसकी वाइफ उसकी मदर, ये सब नहीं, ये सब आजकल सोच के लोग देते हैं. मुझे ये भी ऐसा सरा, जैसे आपने कहा कि ऐसे फिलर कैरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये रिश्ते भी कितने कितना परिवर्तन हुआ है इन सब में. आज आप सोसाइटी में भी देख लो, तो हमारी फिल्में हमारा आर्ट वो रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए
इस वजह से भी शायद हम ऐसे कैरेक्टर्स इतने ज्यादा नहीं देखते। पर आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स और सवाल आ रहे हैं लाइफ पर, तो हम थोड़े से वो उस तरफ नजर करते हैं। डॉक्टर एम के पांडे कहते हैं, माया आलाक जी को लाने के लिए ललन टॉप का आभार। और यमन देव जी जो हमारे सिनेमा टीम के साथ ही है, वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अगर असली काम सीखना है तो पहले टीवी इंडस्ट्री में जाओ। टीवी में ऐसा क्या फर्क है? क्या वो ज्यादा हेक्टिक है या ऐसा है कि प्रेशर में सीखने को ज्यादा मिलता है? क्या आप किसी को वैसे रेकमेंड करेंगी? किसी को क्या करूंगी रेकमेंड, किस लिए करूंगी? कि पहले आप टीवी में काम करो, वहां पे काम अच्छे से सीखो। और नहीं, ऐसा एक्टिंग एक्टिंग होती है, आप किसी भी मीडियम पे कर लीजिए, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, तो इसमें कोई फर्क। हाँ, डेली सोप होते हैं वो हेक्टिक ज्यादा होते हैं क्योंकि रोज जाके करना पड़ता है। फिल्मों में आप 4-5 दिन काम कीजिए फिर थोड़ा छूट मिलता है, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, क्योंकि आजकल आई बिलीव 3 महीने में के अंदर अंदर सब बना के खत्म करना पड़ता है। हमारे टाइम पे तो 4-4 साल चलती थी फिल्में, तो एक फिल्म मैंने की थी जो 4 साल तक चली थी, तो ये गोंदा वाली फिल्म अलबेला, 4 साल शूट किया हम लोगों ने, बीच में रुक गई फिर आ गए फिर लग गई फिर आ गए, यही चलता रहा उसका। और फिर जब फिल्म खत्म हुई होगी तो आप सबको कितनी मुश्किल हुई होगी, जैसे एक तरह से आप फैमिली बन गए होंगे, आदत पड़ गई 4 साल साथ रहने के बाद। फिर ऐसे नहीं, 4 साल कहाँ साथ थे, मतलब थोड़े दिन के लिए साथ होते थे, फिर एक 8-9 महीने के लिए गायब, फिर दो कुछ दिन के लिए साथ, फिर गायब, इस तरह से होती थी, तभी तो 4 साल लगे, ऐसे नहीं लगते 4 साल। इतना ज्यादा पेशेंस की जरूरत हर आर्टिस्ट में, लेकिन आजकल टुडे अब टाइम इज मनी कर हो गया है, तो अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और भी सवाल और कमेंट्स है। एम के पांडे नाम का एक लड़का मेरे साथ डॉक्टरी करता था। ओह वाओ, शायद पता नहीं, इत्तेफाक शायद वही हो। सवाल पूछा है। और किरण न्यूज कहते हैं कि सिनेमा ज्यादा टेक्निकल हो गया है लेकिन उसकी जान चली गई है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आजकल बिकॉज ये जो एकदम ये सुपरमैन और अवेंजर्स और इस तरह की साइंस फिक्शन आ रही है और लोग पसंद है इसीलिए तो आ रही है, लेकिन इस तरह की जो फिल्में आ रही सभी किसी में कोई फ्यूचर, बैक टू द फ्यूचर हो रहा है या बैक टू द पास्ट हो रहा है, टाइम मशीन मतलब, के जरिए। हाँ, तो वो फीलिंग जो होती है, इमोशंस कम हो गए हैं और गैजेटरी ज्यादा हो गई है, तो अब देखिए हर हिसाब से, हर तरह के माहौल के हिसाब से फिल्में बनाते हैं, अब लोगों को यही पसंद है तो वही बनाए। अब ये कोई थोड़ा फिल्म बनाएगा कि जो लोगों को पसंद नहीं और जो कमर्शियली इतना हो, और सारा सीजीआई का भी इस्तेमाल। और ओके, उर्दू पोएट्री में आप कुछ रेकमेंड कर सकते हो? यमन का सवाल है। ओह माय गॉड, नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अनुभव जी भी हमारे सिनेमा टीम में साथी है, पूछते कि बॉलीवुड में बड़ी उम्र की अभिनेत्राओं के लिए ज्यादा लीड रोल्स नहीं लिखे जाते, क्या आपको लगता है कि हालिया दौर में इस चलन में कुछ बदलाव आया है? थोड़ा बहुत आया है, क्योंकि पहले तो 40-50 साल के हीरोज को भी मतलब माँ में बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया बोलते थे, तो वो अजीब लगता था। आजकल एज के हिसाब से वो लोग कैरेक्टर्स करने लगे हैं, मतलब लोग एक्ट कर रहे हैं, तो ये बदलाव तो आया है कि मतलब अपने आप फ्रॉम हीरो टू कैरेक्टर आर्टिस्ट अपने आप बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि रोल अच्छे मिलते हैं आजकल कैरेक्टर, खासकर मेल कैरेक्टर आर्टिस्ट को बहुत अच्छे रोल्स मिलते हैं, तो उसमें उनको मजा आता है करने के लिए, इसलिए वो करते हैं। तो हीरो बनने की इतनी चाह नहीं है, क्योंकि आजकल विलन भी हीरो होता है। आप अच्छा एक्ट कर लो, आप हीरो, फिर वो ग्रे शेड हो, ब्लैक या व्हाइट शेड हो, उसमें उतना वो नहीं होता। बट इसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ, एक ये कि
यू बीन हियर इंडस्ट्री में, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो आप उस विजडम से मुझे बताइए एक चीज, एक बदलाव जो आप चाहेंगी इंडस्ट्री में देखना। मैं ये चाहूंगी कि फीमेल एक्टर्स को जरा अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के रोल्स मिलने चाहिए। ऐसे हो रहा है बट और है बहुत हीरोइन आल्सो एंड एज कैरेक्टर आर्टिस्ट आल्सो, कि मतलब उनको जरा स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स मिलने चाहिए। और एक ऐसी चीज जो पिछले वक्त में होती थी पर अब नहीं है, बट यू विश यू नो सिनेमा के फील्ड में ये एक चीज रिटेन होनी चाहिए थी। आई थिंक ह्यूमन इमोशन रिटेन होना चाहिए था, वो जरूरी है। ऐसे आपने जो अभी कहा मुझे याद आ रही है आरआरआर एसएस राजमौली, जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़ी फिल्में कैसे बना लेते हो, यू नो वर्ल्ड वाइड इतने करोड़ों हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सब पे मैं नहीं फोकस करता, मैं बस ह्यूमन इमोशन, जो स्टोरी में जो इमोशन है मैं उस चीज पे फोकस करता हूँ, बस मैं वही लाना चाहता हूँ, और फिर वो लोगों के साथ चल जाती है। तो हालिया में आपने ऐसी कोई फिल्म या सीरीज देखी जहां पे आपको लगा कि बहुत बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से इन्होंने इमोशन को जो है कैप्चर किया हो? हाँ, मैंने बाहुबली देखी जो वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स जो हुई हैं, और उसमें बहुत अच्छा कैप्चर किया था। इंडियन फिल्म्स तो फिर भी थोड़ा बहुत ह्यूमन इमोशन ले आती हैं, लेकिन हॉलीवुड की फिल्मों में तो आजकल इमोशन बिल्कुल गायब ही कर दिया उन्होंने। अब तो वो सब कंप्यूटर पे कुछ CGI हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, सब चीजें चल रही है। देखती हूँ एज अ जेनरेशन भी कहीं हम उस चीज में लैकिंग है मुझे लगता है, तो स्क्रीन पर भी वही तो बनती है ऐसे पर क्यों नहीं, ऐसा हर एज के साथ अलग तरह की फिल्में बनती है और वो सही है, वैसा ही होगा। आप लोग पता नहीं क्या, आपके बाद पता नहीं क्या लोग पसंद करेंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते आप, कुछ कह नहीं सकते। Going back to comments or questions, Kiran News ने फिर से पूछा है कि अभी रॉकेटरी जैसी फिल्में बन रही है, आप इस बदलाव को लेकर क्या सोचती है? रॉकेटरी जैसी बायोपिक तो थी ही, बट ऑल्सो एक तरह से किसी का सच सामने लाना बहुत अच्छी थी। ऐसी फिल्में तो बननी चाहिए, मतलब ऐसे लोगों पे बननी चाहिए जो इंस्पिरेशनल है, और अगर अच्छी तरह बनाएंगे तो लोग देखेंगे। असल में क्या होता है, इंस्पिरेशनल फिल्म इसलिए लोग नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है कि इसमें स्पीचेस बहुत होंगी, मतलब हमें स्पीचेस किसी को पसंद नहीं है। अगर आप किसी को ह्यूमन तरह से दिखाएं तो वो लोग पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि आज तक जितनी भी फिल्में इस तरह के कैरेक्टर्स पे बनी हैं वो अच्छी चल गई हैं। गंगूबाई का रोल किया है, वो भी तो मतलब वास्तविक औरत थी, असली कहानी से अच्छी अगर बनाएंगे तो आप वो फिल्म चलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी कैरेक्टर के ऊपर नहीं चलेगी। तो ये एक अच्छा ट्रेंड भी है। मुबारक जी भी है हमारे ललन टॉप सिनेमा में, वो कहते हैं फिल्मों या टेलीविजन में ऐसा कोई रोल जो आपको लगता है कि काश ये मुझे मिला होता, तो हमने बात की जैसे आपने कहा शबाना आजमी एम्पायर में बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं। अभी सीरीज में ही था वो योर ऑनर में एक रोल था जो जज के कैरेक्टर का था, वो मुझे चाहिए था लेकिन मिला नहीं मैंने ट्राई भी नहीं किया, मुझे किसी ने ऑफर भी नहीं किया, उन दिनों मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं OTT करूं। अब अब मैं सोचूंगी, अब वो भूख है, अच्छी बात है। हाँ, और है कि महंगाई के दौर में सीनियर अभिनेताओं के आर्थिक हालात कैसे है, क्या उन्हें मदद करने के लिए कोई संस्था आगे आई है जनरली इंडस्ट्री में? हमारी सीनियर आर्टिस्ट के लिए हमारी सिट्टा है, सिनी आर्टिस्ट एसोसिएशन है, तो वो तो मदद करती है और वो काफी मदद, जहां तक मेरा ख्याल है वो मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे कोई उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं।
मैं थैंक यू हमें इसके बारे में बताने के लिए. और आपने ये भी कहा था कि जब आप सेट्स पर नहीं हो तब आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखती है, आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताती है, आपकी जो पोती है उसके साथ आप टाइम बिताते हो, तो एक तरफ से आपको लगता है ये बैलेंस जरूरी होता है टू कीप यू मोर रियल एंड ग्राउंडेड एज एन आर्टिस्ट? बहुत बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है. बिकॉज आप पूरे टाइम अगर एक्टिंग करेंगे तो आप अपने आप को भूल जाएंगे. आप यू बिकम वॉट एवर कैरेक्टर जो आप अभी सेट से होके आए आप वही बने रहेंगे. तो ये ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है कि आप घर आए और मतलब अपनी फैमिली से मिले और उनके साथ टाइम बिताए, बहुत जरूरी है. बाकी लोगों के साथ टाइम बिताए, मैंने जितना कुछ देखा है सबसे ज्यादा मैंने अपनी मेडिकल प्रोफेशन में देखा है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में 3 साल काम किया है और वहाँ जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं उसमें तो गरीब से गरीब लोग आते हैं, उसमें कोई उम्मीद तो आता नहीं. तो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे और उनकी जो कठिनाइयाँ थी वो सब मैंने देखी है, जो बहुत कम लोगों को शायद इनका एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन मुझे है क्योंकि मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है. तो थोड़ी सिंपथी एम्पथी बन जाती है उसमें. और आगे नेक्स्ट हम आपको कहाँ पे देखेंगे? अब ये तो ऊपर वाला जाने और प्रोड्यूसर्स जाने. ये अच्छी मिस्ट्री है, बट ओके. और कोई ऐसा आर्टिस्ट, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, जो आपने अपनी विशलिस्ट में ऐसे कि मुझे इनके साथ काम करना है? आई नो बहुत होंगे, बट कोई एक बहुत है, किस किस को इनका नाम दे दूंगा. नहीं, मुझे मुझे मतलब नहीं इससे कि कौन मुझे बुलाए या कौन नहीं बुलाए. कोई अच्छा डायरेक्टर होगा तो वही काम करूंगी, और अगर अच्छा नहीं भी होगा तो मुझे बाद में पता चलेगा कि वो तो अच्छा नहीं है. पर फिर भी काम काम होता है, आप किसी के साथ भी कर सकते. अच्छा, बस एक ही क्राइटेरिया है कि अच्छा काम होना चाहिए, फिर बाकी सब फर्क नहीं पड़ता. थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा वक्त निकाला और हमारे साथ इतनी अच्छे से बातचीत की, हमें बहुत कुछ जानने को मिला. जैसे मुझे वो एक लाइन याद है, जैसे आप सब तो बच्चे, जब मुझे पहले पता लगा आवश्यक मैं कैसे जस्टिस करूंगी इस इंटरव्यू को, मैं कितना जानती हूँ उनकी दुनिया के बारे में, कैसे मैं जानकारी हासिल करूँ, बट आपसे बात करके जो हमारे दर्शक है जो वो भी देख रहे हैं, हम सबको बहुत सीखने को मिला है. एक होता है एंटरटेनमेंट और एक होता है सीखने को भी मिलना, तो वो हुआ है आज हम सबके साथ. थैंक यू सो मच. और बाकी आप सब जो वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल भेजे, कमेंट्स करे, हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर. आप प्लीज हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहिए, और नहीं सब्सक्राइब किया है तो किस बात का इंतजार है आपको, अभी कीजिए सब्सक्राइब ललन टॉक सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर, और हम आपके लिए ऐसे और किस्से, कहानियां, इंटरव्यूज, न्यूज सब लाते रहेंगे बस इसी चैनल पर. शुक्रिया. थैंक यू.